तो आप मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को सुन रहे थे, कैथल के कलायत में जनसभा को संबोधित कर रहे हैं, जन आशीर्वाद रैली को, जहां पर वो तमाम बड़ी बातें कहते हुए नजर आ रहे। फिलहाल आगे बढ़ते हुए बड़ी खबर आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से, सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जल्द ही कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं ईश्वर सिंह। तो सूत्रों के हवाले से ये जानकारी दे रहे हैं, कांग्रेस सांसद कुमारी सैलजा से मुलाकात की है, कांग्रेस की जो सांसद हैं कुमारी सैलजा, उनसे ईश्वर सिंह ने मुलाकात की है, और जेजेपी से इस्तीफा ईश्वर सिंह ने दिया था और अब कांग्रेस में शामिल होने की जानकारी मिल रही है। तो जल्द ही कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं ईश्वर सिंह, सूत्रों के हवाले से यह जानकारी, कांग्रेस सांसद कुमारी सैलजा से मुलाकात की है ईश्वर सिंह ने, और अब ये कयास लगाए जा रहे हैं सूत्रों के हवाले से, जो बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है वो हम आपको बता रहे हैं। और आपको बता दें कि इस वक्त जेजेपी के तमाम जो विधायक हैं वो इस्तीफा दिए हैं, जिसके बाद से अब उन विधायकों के कांग्रेस में शामिल होने का लगातार सिलसिला जारी है। और ज्यादा जानकारी के लिए रुख करेंगे दीपक शर्मा, इस वक्त हमारे साथ ब्यूरो चीफ हरियाणा फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दीपक, जिस तरह से ईश्वर सिंह ने कुमारी सैलजा से मुलाकात की है, अब सूत्रों के हवाले से जो बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ चुकी, इससे हमने, इससे पहले भी हमने विधायक काला के बारे में जो खबरें चलाई थी और उस पर जो है मुहर लगी और वो कांग्रेस में शामिल हुए, अब सूत्रों के हवाले से जो बड़ी जानकारी अपने दर्शकों को दे रहे हैं, इसमें कितनी पुष्टि हो पा रही है? बिल्कुल, अगर बात करें तो ईश्वर सिंह दिल्ली में है, कांग्रेस के नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। आज भी, अब से कुछ देर पहले ही उन्होंने कांग्रेस की नेता कुमारी सैलजा से मुलाकात करी है, जो सिरसा से सांसद भी हैं। कुमारी सैलजा से मुलाकात की है उन्होंने और कांग्रेस पार्टी में शामिल होने को लेकर के चर्चा की गई है। हालांकि जो ईश्वर सिंह है, उनसे हमारी जो बात हुई, उनका कहना है कि अगले 2 से 3 दिन में वो निर्णय लेंगे कांग्रेस पार्टी में शामिल होने का, क्योंकि उनका खुद की जो इच्छा है वो कांग्रेस पार्टी में शामिल होने की है, लेकिन उनका कहना है कि इस पर अभी वो विचार कर रहे हैं और जल्द कांग्रेस पार्टी को लेकर के अपना निर्णय लेंगे, कांग्रेस पार्टी में अगले 2 से 3 दिन में शामिल हो सकते हैं। हालांकि ईश्वर सिंह खुद इस बार विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे, ये बात भी ईश्वर सिंह स्पष्ट कर चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो सूत्र बता रहे हैं कि अपने परिवार के लिए लोबिंग कर रहे हैं, कि अपने परिवार के सदस्य को विधानसभा की टिकट दिलवाना चाहते हैं, चुनाव लड़वाना चाहते हैं। ईश्वर सिंह खुद इस बार चुनाव नहीं लड़ेंगे तो उसको लेकर के कहीं ना कहीं लॉबिंग में जुटे हुए हैं और कांग्रेस के नेताओं के संपर्क में हैं, कांग्रेस के नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। उन्होंने अगर बात करें तो कुमारी सैलजा से मुलाकात करी है। इस वक्त भी अगर बात करें ईश्वर सिंह दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय में है, जहां कांग्रेस नेताओं से मुलाकात के लिए पहुंचे हुए हैं, और जो बताया जा रहा है कि जल्द, क्योंकि खुद ईश्वर सिंह का भी कहना है कि अगले 2 से 3 दिन में वो निर्णय ले सकते हैं कांग्रेस में शामिल होने का, लेकिन फिलहाल उनका कहना है कि अपने समर्थकों से चर्चा कर रहे हैं, उनकी खुद की आस्था कांग्रेस में है, ये बात भी ईश्वर सिंह कह रहे हैं, लेकिन अपनी समर्थकों की राय लेकर 2 से 3 दिन में निर्णय लेंगे। और एक और बात स्पष्ट करी है कि ईश्वर सिंह विधानसभा का चुनाव खुद नहीं लड़ेंगे, उनका कहना है कि मैं इस बार विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ूंगा। हालांकि 2-3 दिन पहले जेजेपी से उन्होंने इस्तीफा दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं जो सूत्र बता रहे हैं कि अपने परिवार के लिए लॉबिंग कर रहे हैं, अपने परिवार के सदस्य को वो विधानसभा की टिकट दिलवाना चाहते हैं, ये कहना के सूत्र बता रहे हैं, और उसी को लेकर के राजनीति में इस बार एक बार फिर से सक्रिय तौर पर ईश्वर सिंह नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, और दीपक देखिए, जिस तरह से जेजेपी से लगातार 4 विधायकों ने इस्तीफा दिया है और अब एक एक कर कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं, और जेजेपी ये कह रही थी पहले से ही कि हमारे कुछ विधायक हैं जो कांग्रेस अन्य पार्टियों से मिले हुए हैं और इसलिए पार्टी ने एक्शन लिया है, हालांकि इन विधायकों ने इस्तीफा दिया है, लेकिन अब ये विधायक धीरे धीरे कर कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जेजेपी ने जो अनुमान लगाया था वो भी सही साबित होता हुआ नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, जेजेपी ने जो अनुमान लगाया था वो तो कहीं ना कहीं सही, क्योंकि जेजेपी को पहले से ही अंदेशा था, ये विधायक लगातार जो है जननायक जनता पार्टी का विरोध कर रहे थे, और खासकर जब जेजेपी सत्ता में भागीदार थी तभी से कहीं ना कहीं विधायकों की नाराजगी भी नजर आ रही थी, चाहे वो मंत्री पद ना मिलने को लेकर के हो, उसके बाद भी कहीं ना कहीं बयानबाजी रही थी, लेकिन जब जेजेपी सत्ता से अलग हुई तो ऐसे में उस दौरान कुछ ज्यादा ही नाराजगियां हुई थी, और अब जैसे ही आचार संहिता लगी तो तमाम इन नेताओं ने, विधायकों ने इस्तीफा भी अपना दिया, और कहीं ना कहीं अलग अलग पार्टियों में रुख, कुछ भाजपा के संपर्क में तो कुछ कांग्रेस के संपर्क में, जिस तरीके से कल रामकरण काला कांग्रेस में शामिल हुए, ईश्वर सिंह ने भी ये बात स्पष्ट करी है कि वो कांग्रेस पार्टी में शामिल हो सकते हैं, उनकी खुद की आस्था कांग्रेस में है, लेकिन वो अपने समर्थकों से राय मशवरा जो है वो कर रहे हैं, उनकी एक राय यहाँ पर ले रहे हैं,
लेकिन कहना कि जो सूत्र बता रहे हैं कि ईश्वर सिंह अपने परिवार के लिए लॉबिंग कर रहे हैं, इस बार खुद तो क्योंकि विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे ईश्वर सिंह, वो पहले ही स्पष्ट कर चुके थे कि वो विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं कि अपने परिवार के लिए लॉबिंग कर रहे हैं। कांग्रेस के नेताओं से लगातार संपर्क में, आज कुमारी शैलजा से भी मुलाकात करी, इस वक्त भी कांग्रेस मुख्यालय में मौजूद है और कांग्रेस के कुछ नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। हालांकि कब तक कांग्रेस चुनावियों का कहना है कि 2 से 3 दिन लगेंगे, निर्णय कर रहे हैं, अपने वर्करों से, समर्थकों से चर्चा कर रहे हैं, तो ये एक और झटका जेजेपी के लिए कहा जा सकता है। और ऐसे में कांग्रेस के लिए तो कहीं ना कहीं ये एक मजबूती की बात है कि कोई भी कार्यकर्ता अभी आए तो कहना कि पार्टी को सपोर्ट रहता है, चाहे वो भाजपा का हो चाहे कांग्रेस में हो, लेकिन यहाँ एक जब विधायक आता है तो कहीं ना कहीं और ज्यादा कहीं मजबूती की बात जरूर रहती है, और ऐसे में जेजेपी के लिए ये बड़ा झटका रहा है। बिल्कुल, ईश्वर सिंह अगर चुनाव लड़ते हैं नहीं लड़ते हैं वो तो देखने वाली बात होगी, लेकिन यहाँ कांग्रेस का कुनबा जो है वो बढ़ता हुआ नजर आएगा। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए दीपक बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आगे बढ़ते बात करेंगे जींद में पूर्व उप मुख्य